और अब बादल के बुलडोजर की बात, जो जब चलती है घर मकान दुकान कुछ भी नहीं देखती। उत्तराखंड के चमोली से भयावह तस्वीरें आई हैं। रोजी रोटी नदी में ऐसे बह गई जैसे पेड़ का कोई पत्ता टूटा हो। दोपहर का वक्त, तेज खिली चटक धूप, तस्वीर सामान्य सी दिख रही होगी। दूर जो इमारत दिख रही है वो दरअसल एक दुकान है जो रोज की तरह खुली थी, लेकिन पल भर में ही तस्वीर पलट गई। दूसरे कैमरे से देखिए, ये एक सलून है जो देखते ही देखते नदी में समा गया। सलून के मालिक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बारिश के बाद खिली धूप उसकी जिंदगी में अंधेरा लाने वाली है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली में नारायण बगड़ बाजार की हैं, जहां 5 दुकानें एक के बाद एक इसी तरह से रह गईं। 4 सेकंड में ही ताश के पत्ते की तरह दुकान भरभराकर समा गई। बारिश से बरसाती नाले में पानी बढ़ा और पानी की रफ्तार इन दुकानों की बुनियाद अपने साथ लेकर चली गई। ढहने वाली 5 इमारतों में होटल, सैलून और किराने की दुकानें शामिल थी। सर 20,000 रुपए तो कैश चला गया जो बैग में रखा था आपने, इधर उधर खर्चे चलाने के लिए, और बाकी ये फ्रिज वगैरह था, बिंच वगैरह था, सारे निकल के सारे हो गए सर। प्रशासन का दावा है कि 5 दुकानों में लगभग 10 लाख रुपए का सामान बर्बाद हो गया। मलबे में लोग अब अपना सामान बटोर रहे हैं। बर्तन फर्नीचर से लेकर बाकी सामान दुकानदार मलबे से निकाल रहे हैं। राहत की बात ये थी कि जिस समय ये इमारत ढही उसमें कोई शख्स मौजूद नहीं था, नहीं तो हादसा और भयावह हो सकता था। ये है ABP News, आपको रखे आगे।